सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। संसार में रह करके चाहे ध्रुव के समान भक्त क्यों ना हो जाओ, भगवान को क्यों ना प्राप्त कर लो, लेकिन फिर भी कष्ट पाना पड़ता है। ध्रुव ने भी कष्ट पाया, दुख पाया। इसलिए महादेव का पूजन करो। महादेव का पूजन करने से घर में आनंद होगा, मन में आनंद होगा। मन में आनंद है तो घर में भी आनंद है, और घर में आनंद है तो परमानंद भी दूर नहीं। मन में आनंद होना चाहिए। शिवलिंग पूजन करने से मन में आनंद प्राप्त होता है। शिव पूजन की विधि बताई गई है यहां। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, वो विधि मैं आपको बताता हूं। आप सब लोग शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाते कैसे हैं? मैंने एक माता को देखा था, शिवालय पर जाकर के लोटा हाथ में होता है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तो लेट कैसे हो गई? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तो देर से क्यों आई? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, मैं भी लेट हो गई आज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये पूजा है कि परिवार है भाई? ये पूजा थोड़ी होती है। विधि सुनिए, शिवालय में अगर आप जाते हैं तो किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले शिवालय पर गणेश जी को पाद्य अर्घ आचमन स्नान चार बार जल छोड़िए, चार बार। चलो पाद्य अर्घ आचमन आपसे नहीं भूलता है तो कोई बात नहीं है, चार बार आप जल छोड़ दीजिए गणेश जी के सामने। पाद्य अर्घ आचमन और स्नान, उसके बाद आप जाइए माँ जगदम्बा के समीप, उनको भी चार प्रकार से आप पाद्य अर्घ आचमन स्नान करना चाहिए। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पाद्य अर्घ स्नान आचमन याद हो जाए। उसके बाद फिर आइए आप कार्तिक जी के पास, वहां भी पाद्य अर्घ आचमन स्नान। फिर आओ नंदी जी के पास, वहां भी चार बार। फिर सर्प देवता पर, नाग महाराज पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में जलहरी पर चारों तरफ स्नान कराएं, जल डालें। जलहरी की बगल में, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जो जलहरी बनी है जहां से जल निकलता है, उसके दाएं कोने पर, बाएं कोने पे, वहां एक शिव की कन्याएं हैं जिसका नाम है अशोक सुंदरी, उनको भी जल से स्नान कराना चाहिए। और उसके बाद महादेव पर जल का स्नान कराइए, जल की धार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर हो सकता है तो पुरुषोक्त के द्वारा भी आप जलाभिषेक रोज कर सकते हैं। उसके बाद आप वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र में सूत्र ही आप चढ़ा सकते हैं भाव रख करके। सबको सूत्र चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद में फिर आप गंध का टीका लगाएं सबको, महादेव को चंदन का त्रिपुंड लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव चार चावल के चढ़ाने से भी निहाल कर देते हैं, वो इतने भोले भंडारी हैं।
जय भोले भंडारी तेरी महिमा है अति भारी। जय भोले भंडारी तेरी महिमा है अति भारी। अर भस्मासुर ने करी तपस्या दे डारी वरचारी। जय भोले भंडारी जय भोले भंडारी। बड़े भाव से शिव की पूजन में या तो आप ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, चाहे हर हर महादेव हर हर महादेव, या शिव 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 शिव, या काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ, जिस मंत्र को आप श्रद्धा से बोल सकें, भाव से बोल सकें, या हर 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 हर, बस कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहिए और भाव से श्रद्धा से प्यार से शिव का पूजन करते रहिए। भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी महादेव का पूजन किया, क्योंकि उनकी जो रानी थी ना जाम्बवती, बहुत समय हो गया था, सभी रानियों को पुत्र हो गया था, लेकिन जाम्बवती की यहाँ कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, लेकिन कृष्ण ने जाकर के महादेव की उपासना की। जब उपासना की तो भगवान शिव और शिव और शिवा दोनों ही प्रकट हो गए। तो महादेव ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके यहाँ पुत्र बनकर के आ रहा था, लेकिन ये देवी नहीं मानी। इन्होंने कहा कि हम नहीं, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा हे महादेव हे जगदम्बा हे पार्वती, आप दोनों ही संयुक्त रूप में मेरे यहाँ पधारिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो शिव और पार्वती अपने अपने आधे आधे अंश से जाम्बवती के गर्भ में आकर के शिव के कृष्ण के पुत्र बने हैं। वही जाम्बवती का पुत्र था सांब, उसका नाम भी सांब पड़ा। सा माने शिव, बा माने पार्वती अंबिका। तो वही सांब ने साड़ी पहनी और संतों के पास चला गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मदरा का पान जब होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उससे न कोई संत दिखता है, न कोई गुरु दिखता है, न भगवंत दिखता है, न कोई पिता दिखता है, न कोई बड़ा दिखता है। क्योंकि ये सुरापान व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ देता है। यदवंशों ने सुरापान शुरू कर दिया, मदरा पान करना शुरू कर दिया, बुद्धि बिगड़ गई और संतों का अपमान कर डाला सांब को साड़ी पहना करके, संतों को साप मिल गया, संतों का अपमान किया, संतों ने साप दे दिया कि जाओ तुम यदवंशियों, तुम्हारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, किसी महापुरुष का किसी संत का हमसे अपमान ना हो जाए। अगर हो जाए किंचित मात्र भी तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए कि साप ना लग जाए, कि वंश नष्ट न हो जाए। कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी नहीं बचा पाए परिवार को। 99 लाख का परिवार यदवंश का था, संतों के साप से मिट गया। साप भी उसी संत का मिल सकता है जो ज़्यादा भजन करने वाला है, भगवान का उपासक है, भगवान में भाव रखने वाला है, भगवान में भक्ति रखने वाला है, निष्ठा और श्रद्धा विश्वास रखने वाला है, जो भगवान में रत रहता है, उसके ही मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य हो सकता है, अन्यथा तो नहीं। कई लोग कह देते हैं मेरा साप है, मेरी बद्दुआ है, तू मर जाएगा। अरे भैया, क्रोध करने से
तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है, तो सांप किसी को क्या देगा या देगी? तेरे पास कोई पुण्य ही नहीं है तो किसी को सांप क्या दोगे? क्रोध कर करके अपने पुण्य को क्षीण कर दिया तो किसी प्रकार का भी नहीं है, सबके बराबर है, सबके बराबर शक्ति तो है ही नहीं, तो सांप कहां मिलेगा? जो आनंद नाम के वन में, काशी एक आनंद, काशी का ही नाम है एक आनंद वन, पहले आनंद वन के नाम से जानते थे, बाद में काशी हुआ, फिर वाराणसी हो गया। ये काशी ही भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।